हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ये डेस्कटॉप आया है। इसके अंदर समस्या आई है रोटेशन की और ये अपोजिट 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इसका हम अभी सलूशन बताएंगे। आपको बताता हूँ मैं कि इसमें दिक्कत क्या है इस डेस्कटॉप के अंदर। देखिए, ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है और ये अपोजिट साइड हो जा रहा है बार बार, पूरा डेस्कटॉप जो है वो अपना अपोजिट हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका राइट बटन में जो है डेस्कटॉप की वो हमें ये मेनू खोलना है, फिर हमें इसके ग्राफिक्स ऑप्शन पे जाना है। एरो की सहायता से जा सकते हैं, ये देखिए ग्राफिक ऑप्शन पे जाना है इस तरह से, फिर हमें इसके रोटेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। रोटेशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ये रोटेशन पे जाना है। रोटेशन पे जाने के बाद हमें इसके रोटेशन टू नॉर्मल पे जाना है। रोटेशन टू नॉर्मल इस पर हमें क्लिक कर देना है। जो भी क्लिक है का अपना रोटेशन टू 180 डिग्री उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है, रोटेशन टू नॉर्मल। ये देखिए हमारा डेस्कटॉप पूरा सीधा हो जाएगा। इसको देख लीजिए एक बार, फिर समझ लीजिए। हमें राइट क्लिक करना है, हमें जाना है ग्राफिक ऑप्शन पे, ग्राफिक ऑप्शन के बाद रोटेशन पे, रोटेशन पे जाने के बाद रोटेट टू नॉर्मल पे, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो जस्ट अपोजिट हो गया था पूरा, वो डेस्कटॉप वो पूरा सीधा हो जाएगा। रोटेट टू नॉर्मल पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।